अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट बबलू लाहौरी। दोस्तों आज मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं पांच ऐसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेज 40,000 रुपए की प्राइस रेंज से लेके 60,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर, बिकॉज मुझे आप दोस्तों की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है इस वीडियो से रिलेटेड। तो अगर आपको इस प्राइस रेंज यानी 40 से 60 की रेंज के अंदर एक अच्छा सा और वैल्यू फॉर मनी किस्म का स्मार्टफोन बाय करना है तो ये वीडियो पूरी देख लेना। आई होप इस वीडियो के बाद आपको एक अच्छा फोन भी मिल जाएगा और इस वीडियो के बाद मैं इसी प्राइस रेंज के अंदर 40 से 60 की रेंज के अंदर एक यूज डिवाइसेस के ऊपर भी वीडियो करने वाला हूं। तो मेक श्योर करो कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना ताकि मेरी जब भी वो वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। वीडियो को देखने के बाद अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आए तो सिंपली आपने कमेंट करना है वीडियो के नीचे और मैं आपको आपके हर कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा। और आज की वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो है 1000 लाइक्स, तो दोस्तों हमेशा की तरह लाइक्स को भी पूरा कर देना। तो दोस्तों लिस्ट को स्टार्ट करते हैं और यहां पे पहला बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस आप 40 से 60 की रेंज के अंदर जो बाय कर सकते हैं वो है रियलमी की तरफ से। आपको पता चल गया होगा वो कौन सी डिवाइस है। जी हाँ, Realme 3 Pro। जी हाँ दोस्तों, Realme 3 Pro है पाकिस्तानी मार्केट्स में 40,000 रुपए के प्राइस टैग के साथ। जो इसका ऑफलाइन वेरिएंट है वो आपको देखने को मिलेगा, फाइनल प्राइस इसकी मिलेगी क्योंकि 38,000 रुपए के पास करंटली थोड़ा शॉर्ट चल रहा है मार्केट के अंदर, लेकिन फाइंड करने के ऊपर डेफिनेटली कहीं ना कहीं से आपको ये डिवाइस मिल जाएगी। अगर हाईलाइटेड फीचर्स को देखें, 6 128 GB का आपको कम्बिनेशन है रैम और स्टोरेज का, मल्टीटास्किंग भी अच्छी होगी और उसके अलावा यहाँ पे अच्छी स्टोरेज कैपेसिटी आपको एक डेटा स्टोर करने के लिए मिलेगी। इस डिवाइस की जो परफॉर्मेंस है, स्नैपड्रैगन 710 की चिपसेट है, 10 नैनोमीटर वाली बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस देगी आपको। जीपीयू भी अच्छा है इस डिवाइस का, आपको अच्छी सी गेमिंग देगा एड्रीनो 616 का। कैमराज पे आएं तो बैक पे कैमराज भी बहुत ज़बरदस्त हैं, 16+5 मेगापिक्सल। जो 16 मेगापिक्सल वाला सेंसर है 1.7 अपर्चर के साथ, सोनी का IMX519 वाला सेंसर है, बहुत अच्छी आपको परफॉर्मेंस देगा। और उसके अलावा ये जो डिवाइस है अपने बैक कैमरा से 4K रिकॉर्डिंग भी करती है, आपको स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिलेगी, नाइटस्केप मोड भी है, सुपर स्लोमो मोड भी मिलेगा इसके अंदर और क्रोमा कलर बूस्ट जैसे जो मोड्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के एक अच्छी परफॉर्मेंस आप बैक कैमरा से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फ्रंट पे आपको सेल्फी मिलेगी 25 मेगापिक्सल वाली, बहुत अच्छा आपको सेल्फी एक्सपीरियंस मिलेगा। 4045 mAh की बैटरी है, आपको वूक फ्लैश चार्ज मिलती है 3.0 जो ओप्पो की टेक्नोलॉजी है, बिकॉज रियलमी ओप्पो का सब ब्रांड है। और उसके अलावा एंड्रॉयड पाई 9.0 है। अगर आपको कोशिश करने पर यह डिवाइस कहीं से अवेलेबल मिलती है, 6128 वाला जो वेरियंट है ऑफलाइन मार्केट में एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करेगा, आप इस डिवाइस को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। और दूसरी बेस्ट डिवाइस मेरी आज की लिस्ट में जो बाय कर सकते हैं न्यू कंडीशन में वो है नोकिया की तरफ से, नोकिया 8.1। दोस्तों ये 70,000 रुपए वाली डिवाइस है, फाइनली आपको मिलेगी ये 40,000 रुपए के रिटेल प्राइस टैग के साथ और कुछ फाइनली आपको ऑफलाइन मार्केट में डिस्काउंट्स भी मिलेंगे। नोकिया का मसला ये है कि नोकिया की जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है, नोकिया को हर दफा उसमें मुंह की खानी पड़ती है। पहले प्राइसेस ऐसे रख देता है जैसे इसने आईफोन लॉन्च कर दिए हैं, बाद में फिर इसे पता चलता है जब सेल्स गेन नहीं कर पाती कंपनी तो फिर इसको प्राइस कट लगाना पड़ता है डिवाइसेस में और फाइनली नोकिया की जो डिवाइसेस हैं वो आपको एक अच्छी सी वैल्यू प्रोवाइड करती हैं। और सेम सिचुएशन नोकिया 8.1 प्लस के साथ भी है, 70,000 से ह्यूज प्राइस कट 40,000 रुपए के ऊपर आपको मिलती है। तो अगर इसको देखें, इस डिवाइस के हाइलाइटेड फीचर्स को देखें तो इसमें जो डिस्प्ले है 6.18 इंच का यहां पे IPS पैनल है, थोड़ी सी बड़ी नॉच है, ट्रेडिशनल नॉच है, जो फर्स्ट जनरेशन वाली नॉच आपको देखने को मिलती है। अगर आपको उसके साथ इश्यू नहीं है आप इस डिवाइस के साथ जा सकते हैं, काफी अच्छा फुल HD प्लस यहां पे डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। और उसके अलावा यहां पे देखें परफॉर्मेंस की, तो स्नैपड्रैगन 710 की चिपसेट है, तगड़ी सी परफॉर्मेंस मिलेगी, 10 नैनोमीटर वाली है और एड्रीनो 616 के जो ग्राफिक्स हैं बहुत अच्छी आपको गेमिंग भी प्रोवाइड करेंगे। और उसके अलावा अगर कैमरास पे देखें तो बैक पे डबल कैमरा सेटअप है 12+13 मेगापिक्सल, ये ZEISS के ऑप्टिक्स हैं, यानी ZEISS एक ब्रांड है जो कैमरास को डेवलप करता है लेंसेज को, वो नोकिया को कैमरास प्रोवाइड करता है, आपको अच्छी सी परफॉर्मेंस कैमरा से देखने को मिलेगी, 4K रिकॉर्डिंग सपोर्ट करती है, आपको स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगी कैमरास के अंदर, फ्रंट पे 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर आपको देखने को मिलता है। और अगर इस डिवाइस की यहां पर रैम और स्टोरेज की बात करें तो 4GB रैम है, 64GB का आपको स्टोरेज देखने को मिलती है और मेमोरी को एक्सपेंड करने के लिए यहां पे आपको हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट प्रोवाइड की गई जिसके थ्रू आप मेमोरी को एक्सपेंड कर सकते हैं। 3500 mAh की बैटरी, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग आपको एक अच्छा सा बैटरी बैकअप भी देगी और बैटरी जल्दी से चार्ज भी होगी। एंड्रॉइड पाई 9.0 और उसके अलावा यहां पे जो एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम है उस प्रोग्राम का हिस्सा है, आपको एटलीस्ट 3 साल तक जो एंड्रॉइड की मेजर अपडेट्स हैं वो भी इस डिवाइस के अंदर मिलेगी और आपकी डिवाइस ऑलवेज जो सिक्योरिटी पैचेस हैं वो अपडेट
गैजेट्स रहेंगे आपके डिवाइस के अंदर। तो नोकिया 8.1 प्लस का अगर देखें 40,000 रुपए का प्राइस टैग और 37,000 रुपए के अंदर आप अगर इस डिवाइस को बाय करते हैं तो एक बहुत अच्छी वैल्यू आपको देगी, आप इस डिवाइस को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। और तीसरी बेस्ट डिवाइस मेरी आज की लिस्ट में जो बाय कर सकते हैं वो है वीवो की तरफ से वीवो V15। जी हां दोस्तों, वीवो V15 जो डिवाइस है इसमें पाकिस्तान में दो वेरियंट्स लॉन्च किए हैं। ये है वीवो V15 वाला वेरियंट जो सिंपल वाला वेरियंट है। इसकी अगर प्राइस को देखें तो 46,000 का रिटेल प्राइस टैग है और फाइनली आपको डिस्काउंट्स के बाद कोई 42,500 या 42,000 रुपए के ऊपर ये डिवाइस देखने को मिलती है। अगर हाईलाइटेड फीचर्स को देखें जो आपको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, इस डिवाइस की परफॉर्मेंस अच्छी है, हीलियो P70 चिपसेट के साथ 12 नैनोमीटर वाली है, एक अच्छी सी परफॉर्मेंस देगी, गेमिंग में भी ये डिवाइस अच्छी है। उसके अलावा कैमराज इस डिवाइस की मेन हाईलाइट है, बैक पे ट्रिपल रियर कैमराज हैं, 12 मेगापिक्सल वाला प्राइमरी लेंस है, 8 मेगापिक्सल वाला अल्ट्रा वाइड लेंस है और 5 मेगापिक्सल वाला डेप्थ सेंसर है जो आपको एक अच्छी सी जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी है बैक साइड से वो प्रोवाइड करेंगे। फ्रंट पे मोटराइज्ड पॉपअप सेल्फी कैमरा आपको मिलेगा 32 मेगापिक्सल का जो आपको अच्छी सी सेल्फीज वगैरह भी प्रोवाइड करेगा। और अगर डिस्प्ले को देखें तो काफी अच्छा डिस्प्ले है इस डिवाइस का, कोई नॉच आपको देखने को नहीं मिलती, एज टू एज आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और अगर इस डिवाइस की यहां पर रैम और स्टोरेज को देखें तो 6 GB की आपको रैम देखने को मिलेगी और 64 GB की आपको स्टोरेज देखने को मिलेगी। और मेमोरी को एक्सपेंड करने के लिए यहां पर डेडिकेटेड एसडी कार्ड की स्लॉट आपको प्रोवाइड की गई है। 4000 mAh की बैटरी है, बैटरी बैकअप भी अच्छा मिलेगा, एंड्रॉइड पाई के ऊपर डिवाइस आती है। तो कुल मिला के अगर देखें 42,500 की प्राइस रेंज के अंदर वीवो V15 एक ऐसी डिवाइस है जो आपको अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करेगी, आप इस डिवाइस को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। और नंबर 4 डिवाइस मेरी आज की लिस्ट में जो बाय कर सकते हैं वो अगेन वीवो की तरफ से वीवो V15 Pro। जी हां दोस्तों, इससे पहले जो मैंने आपको नंबर 3 पे डिवाइस बताई है वो है वीवो V15। ये उस डिवाइस का प्रो वेरिएंट है और काफी प्रो फीचर्स इसके अंदर आपको प्रोवाइड किए गए हैं। एग्जांपल के तौर पे इस डिवाइस का जो डिस्प्ले है वो आपको यहां पे सुपर एमोलेड देखने को मिलता है 6.39 इंच का, और पिछली वाले वेरिएंट में जो V15 है सिंपल वाला उसमें IPS पैनल है, इसके अंदर सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। अगर परफॉर्मेंस को देखें तो स्नैपड्रैगन 675 की आपको चिपसेट देखने को मिलती है जो 11 नैनोमीटर के ऊपर बिल्ड की गई है, आपको एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगी। एडिनो 612 के यहां पे ग्राफिक्स होंगे, गेमिंग भी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। कैमराज इस डिवाइस की एक और हाईलाइट है, बैक साइड के ऊपर जो कैमराज हैं उसमें भी यहां पे कुछ प्रो किया गया है। 48 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी सेंसर मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड लेंस और उसके अलावा 5 मेगापिक्सल का आपको यहां पे डेप्थ सेंसर मिलेगा। 4K रिकॉर्डिंग भी आपको इस डिवाइस के अंदर मिलेगी। V15 के अंदर आपको 4K रिकॉर्डिंग नहीं मिलती, इस डिवाइस के अंदर आपको 4K रिकॉर्डिंग मिलेगी। और उसके अलावा अगर यहां पे देखें तो 3700 mAh की बैटरी है, 18 वाट की आपको फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलती है, एंड्रॉइड पाई के ऊपर ये डिवाइस आती है, 6 GB रैम, 128 GB वाला ये वेरिएंट है। तो मल्टीटास्किंग भी अच्छी और आपको स्टोरेज भी काफी अच्छी प्रोवाइड की गई है इसके अंदर इतनी रेंज के अंदर। अब अगर प्राइस को डिस्कस करें इस डिवाइस की तो 60,000 का प्राइस टैग है इस डिवाइस का पाकिस्तानी मार्केट्स में, और ये फाइनली आपको 55,000 से 56,000 यानी 55,000 से 56,000 के अराउंड कहीं पे पाकिस्तानी मार्केट्स में मिल जाएगी। तो अगर इतनी प्राइस के अंदर इस डिवाइस को आप कंसीडर करते हैं तो एक अच्छी वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगी वीवो V15 Pro, आप इस डिवाइस को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। सबसे लास्ट में नंबर 5 डिवाइस मेरी आज की लिस्ट में जो बाय कर सकते हैं वो है यहाँ पे ओप्पो की तरफ से ओप्पो F11 Pro। जी हाँ दोस्तों, ओप्पो F11 Pro के दो वेरियंट्स हैं, एक 6 GB 64 GB वाला जिसकी प्राइस है पाकिस्तानी मार्केट्स में 46,000 के आसपास और फाइनली आपको 42 में मिलता है। लेकिन ये जो वेरियंट है मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ ये 6 GB 128 GB वाला वेरियंट है जिसकी पाकिस्तानी मार्केट्स में प्राइस है कोई 55,000 रुपये के आसपास और फाइनली आपको ये 50-51,000 रुपये के ऊपर कहीं पर देखने को मिलेगा। अगर इस डिवाइस के हाईलाइटेड फीचर्स को देखें तो 6 128 वाला कम्बिनेशन हो गया, परफॉर्मेंस यहाँ पे हीलियो P70 आपको प्रोवाइड करेगी, एक अच्छी सी गेमिंग भी मिल जाएगी। उसके अलावा अगर यहाँ पे देखते हैं तो बैक साइड पे इसके डबल कैमरा सेटअप है 48+5 मेगापिक्सल का, आपको अच्छी सी कैमरा परफॉर्मेंस भी मिलेगी। फ्रंट पे आए तो यहाँ पे भी मोटराइज्ड मैकेनिज्म, एक फ्रंट सेल्फी शूटर आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल का जो एक तगड़ी सी आपको अच्छी सी परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड करेगा। 4000 mAh की बैटरी है, ओप्पो की अपनी यहाँ पे वो फ्लैश चार्ज फास्ट चार्ज जो चार्ज टेक्नोलॉजी है वो मिलेगी, आपको अच्छा सा बैटरी बैकअप भी मिलेगा, बैटरी जल्दी से चार्ज भी होगी, एंड्रॉइड पाई 9.0 है, उसके ऊपर कलर ओएस को यूज़ किया गया जो ओप्पो की अपनी कस्टमाइज उसकी जो UI है उसके। तो कुल मिला के अगर देखें 50,000 के प्राइस टैग के ऊपर ओप्पो F11 Pro एक अच्छी आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा, डेफिनेटली आप इस डिवाइस को आज की डेट में कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी
ओवरऑल पांच ऐसी बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेस मेरे ओपिनियन के हिसाब से जो मुझे लगा कि आपको बेटर वैल्यू प्रोवाइड करेंगी और आप इन डिवाइसेस को बाय कर सकते हैं 40 से 60 की रेंज के अंदर। अब अगर आपने नोट किया हो, मैंने सैमसंग गैलेक्सी A50 को यहां पे स्किप किया अपनी लिस्ट के अंदर, उसका एक रीजन है और वो ये है कि इस डिवाइस का जो गैलेक्सी A50 है बहुत अच्छे फीचर्स हैं, 4x28 का कॉम्बिनेशन है, सुपर एमोलेड पैनल को लगाया गया है और गैलेक्सी A सीरीज काफी अच्छी सीरीज जा रही थी, लेकिन इस डिवाइस का जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है वो बहुत ज्यादा अनोइंग है, काफी एक जो है ना टेरेबल हद तक वो बहुत ज्यादा स्लो है। और अगर 50,000 रुपये आपने खर्च करने हैं किसी डिवाइस के ऊपर इन्वेस्ट करने हैं, उसकी डिवाइस की सिक्योरिटी ही इतनी अच्छी ना हो, रिलायबल ना हो, तो आपको फिर क्या फायदा उस डिवाइस को बाय करने का। बाकी फीचर्स अच्छे हैं उस डिवाइस के और मेन वजह यही थी उसे स्किप करने की कि उसका जो इन डिस्प्ले सेंसर है वो बहुत ज्यादा स्लो है, कई दफा तो बहुत ज्यादा रिकग्नाइज नहीं करता फिंगरप्रिंट को और बस वहां पे अननोन एरर आपको प्रोवाइड कर देता है। तो इसी वजह से मैंने उस डिवाइस को स्किप किया अपनी लिस्ट के अंदर। अगर आपको उससे कोई भी इशू नहीं है तो डेफिनेटली फिर आप उस डिवाइस को भी कंसीडर कर सकते हैं, आपको 50,000 रुपए के अंदर एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करेगा। और दूसरी डिवाइस जो मैंने सैमसंग की स्किप की है इस रेंज के अंदर वो थी गैलेक्सी A70। अब A70 की प्राइस पहले कम थी और अब उसकी प्राइस 68,000 के आसपास कर दी गई है और फाइनली वो आपको मिलेगा भी 60 की रेंज के ऊपर, तकरीबन 62,000 से 63,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर। फीचर्स उसके भी अच्छे हैं, 6x28 के कॉम्बिनेशन का था, सुपर एमोलेड पैनल, स्नैपड्रैगन 675 की चिपसेट, एक अच्छी सी परफॉर्मेंस देगी, लेकिन उस डिवाइस का भी जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है वो बहुत ज्यादा स्लो है, काफी टेरेबल हद तक उसका जो आप कह सकते हैं फिंगरप्रिंट जो है वो काफी स्लो आपको रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता। तो यही वजह थी कि मैंने उस डिवाइस को भी इस लिस्ट के अंदर शामिल करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। अगर आपको, अगेन कह रहा हूं, कि फिंगरप्रिंट के साथ इशू नहीं है, आपको फर्क नहीं पड़ता, फेस आईडी के साथ आप काम चला सकते हैं उस डिवाइस में, तो फिर डेफिनेटली आप उस डिवाइस को भी कंसीडर करते हैं। तो ओवरऑल मैंने वो डिवाइसेज यहां पे लिस्ट के अंदर शामिल की हैं जो मुझे लगा कि आपको बेटर वैल्यू प्रोवाइड करेंगी और आप उन डिवाइसेज को आज की डेट में बाय कर सकते हैं। वीडियो अगर कहीं पर भी हेल्पफुल रही हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और अगली वीडियो जो आएगी वो यूज डिवाइसेज के ऊपर आएगी 40 से 60 के ऊपर। तो मेक श्योर करें आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी जब भी कोई न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ये वीडियो यहीं तक थी, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। बबलू लाहौरी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।